अरे बाप रे, एक चोकोलावा का इतना दाम? मैं तो इसके आधे से आधे दाम में बना दूंगी। ले लेंगे एक पैकेट ओरियो और थोड़ी सी बची हुई चॉकलेट और थोड़ी सी दूध जो घर से पोकर में मिल जाएगी। अब सारे ओरियो को एक बाउल में डालेंगे और मिक्सी में क्रश कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध और उसको फिर से मिक्सी में चला लेंगे। जब इसका स्मूथ बैटर तैयार हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इनो और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सच बता रही हूँ, मार्केट में जिस प्राइस में चोकोलावा मिलता है ना, उससे काफी कम प्राइस में बन जाता है और काफी सारा भी बन जाता है और खाने में भी काफी टेस्टी बनता है। बच्चे से लेके बूढ़ों तक भी आपके घर में बहुत पसंद करेंगे। फिर आप इसे हर वीकेंड बनाने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और झटपट बनने वाली चीज किसे बनाना पसंद नहीं है? मैं तो इसे इडली के बर्तन में बना रही हूँ, पर आप चाहो तो किसी कटोरी में भी बना सकते हो। बताओ ये तुम्हें देख के कैसा लग रहा है? हमारी कम बजट वाली चोकोलावा केक बनके तैयार है, तो इसको झटपट से प्लेटिंग करते हैं, जल्दी से टेस्टिंग करते हैं और सच में ये बहुत ही परफेक्टली बनके निकली है। और टेस्ट की तो क्या ही बात करूं, बहुत ही गजब लगी। आप इसको जरूर से बना के ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। इस रेसिपी को तो बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे फॉलो कर लेना। बाय।